नमस्कार, आप देख रहे हैं मेड इन इंडिया। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। दिल्ली एनसीआर में हर साल बढ़ते हवा के प्रदूषण ने सबकी मुश्किलें बढ़ा दी। इस एयर पोल्यूशन की वजह से लोग एक तरफ जहां बीमार पड़ रहे हैं, वहीं सांस लेने में भी तकलीफ एक नॉर्मल सी बात हो गई है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद इस परेशानी से छुटकारा नहीं मिल पाया है। 2018 में विहान अग्रवाल और नव अग्रवाल ने मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की, वन स्टेप ग्रीनर। इस मकसद के साथ शुरू की गई इस कंपनी की, कैसे कचरे से होने वाले पोल्यूशन से लोगों को जागरूक किया जा सके। तो सबसे पहले वेस्ट सेग्रीगेशन और वेस्ट पिकअप ड्राइव्स की शुरुआत इन दोनों भाइयों ने की, और वो भी सिर्फ 15 घरों से शुरुआत की गई, जो आज की तारीख में 1000 से भी ज्यादा हैं। और 3 साल के इस सफर में इन्होंने अभी तक करीब 1,73,650 किलो, यानी कि 1,73,000 अराउंड 650 केजी के वेस्ट को रिसाइकल कर दिया है। मेड इन इंडिया में बिना वक्त गवाते हुए आपकी मुलाकात कराते हैं 17 साल के विहान अग्रवाल और 14 साल के नव अग्रवाल के साथ। विहान और नव, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें यहाँ पर देने के लिए और हमारे शो में शामिल होने के लिए। थैंक यू, हमें आपने इस प्रोग्राम पर लाया और हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, तो हम बहुत खुश हैं आपसे बात करने के लिए। और हाँ, हमारा यही मकसद है कि जो हम कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे। और आपने ये हमें अपॉर्चुनिटी देकर उसमें एक कदम हमारे लिए आगे हमें दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। व्यान, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। यू नो, यू हैव अ मिशन ऑफ क्रिएटिंग क्लीनर एंड ग्रीनर सराउंडिंग। इसी मकसद के साथ वन स्टेप ग्रीनर की शुरुआत की गई, लेकिन असल में रियल रीजन क्या था? चलिए, क्लीनर और ग्रीनर सराउंडिंग्स हम में से बहुत सारे लोग चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इस सोच को आगे बढ़ाते हुए किसी काम की, किसी बिजनेस की तरफ, किसी काम की तरफ, एक पहल की तरफ कदम बढ़ाते हैं। आपके पीछे वो मकसद क्या था वन स्टेप ग्रीनर के पीछे? तो बचपन से मैं और नव दोनों पर्यावरण से बहुत जुड़े हुए हैं, और हम जब भी स्कूल से छुट्टी मिलती थी हमें, तो हम कोई ना कोई जंगल चले जाते थे इंडिया में, या और इंडिया से बाहर भी जाते थे। और दिल्ली के पास जो भी जैसे नेशनल पार्क्स है, सुल्तानपुर है, और ऐसे काफी जंगल भी है जहाँ हम जाते हैं, और हम दोनों चिड़िया बर्ड वॉचिंग काफी करते हैं और बर्ड फोटोग्राफी भी करते हैं। तो बचपन से, और हमारे माता पिता भी हमें लेते, आवर पेरेंट्स आल्सो टुक अस टू अ लॉट ऑफ फॉरेस्ट्स एंड यू नो एनकरेज दैट। तो बचपन से हम दोनों पर्यावरण के प्रति जागरूक थे। हमने ये भी देखा था कि काफी जगह जहाँ जाते थे, एक साल बहुत सी चिड़िया आती थी और फिर दूसरे साल कम होने लग गए। और फिर हमने ये देखा कि जो एक बहुत ही बड़ा इशू है, और ये प्रॉब्लम सबको मतलब इफेक्ट करता है, लेकिन ट्रीज प्लांट करने के अलावा हमें कोई सोल्यूशन नहीं दिया गया, और हमें कोई सोल्यूशन पता भी नहीं था। और इतना बड़ा चैलेंज के सामने हमें हमें लगा कि हम दो बच्चे क्या कर पाएंगे। लेकिन फिर और एयर पोल्यूशन की वजह से मुझे भी, हमें दोनों को पर्सनली भी इफेक्ट हुआ, जैसे नव बताएगा। और जैसे विहान के पास अस्थमा है, तो जैसे एयर पोल्यूशन और खराब होते गए, उसका हेल्थ भी बहुत डिटीरियोरेट होते गया, और इस कारण से वो नर्स रूम और हॉस्पिटल बहुत बार जाने सकता था। तभी 2017 में सितंबर में ही जो गाजीपुर लैंडफिल है, और बहुत जो सबसे बड़ा लैंडफिल आई थिंक एशिया में, वो कोलैप्स हो गया था, दो लोगों को मार दिया था, क्रश देम, और आग भी लग गया था। इट वाज रिलीजिंग टन्स एंड टन्स ऑफ टॉक्सिक गैसेस इनटू आवर एटमॉस्फेयर। तो तभी हमें ये पता चला कि वो जो कनेक्शन बन गया हमारे लिए, कि जो कूड़ा हम फेंक रहे उसी से प्रदूषण हो रहा है, और वही प्रदूषण जाकर हमें और मुझे हॉस्पिटल में
या अपने उस रूम में बैठा रहे हैं। तो इस वजह से तो जब वो कनेक्शन बन गया तो हम दोनों के मन में एक ही सोच था कि हमारा जो कूड़ा है वो यहाँ नहीं जाना चाहिए जैसे भी करकर। तो हमने घर पर शुरू किया, आपने बोला था कि हम 15 घर से शुरू किए, लेकिन सच्चाई में तो हमने हम दोनों के रूम से शुरू किया। तो वहां हम अगर आप अभी भी आएंगे हमारे रूम में, तो हमारे रूम में पांच पांच डस्टबिन है। तो हमने जब रिसर्च किया और हमने पता किया कि ये वेस्ट को हम कम कैसे कर सकते हैं, तो पहला चीज हमने पढ़ा कि वेस्ट को सेग्रीगेट करना। और अब सेग्रीगेशन तो हमें पता नहीं था कि ये क्या है, तो जब और रिसर्च किया तो उसमें पता चला कि गीला कूड़ा अलग होता है, सूखा कूड़ा अलग होता है, और अलग होता सूखा है। कूड़ा में भी रिसाइकलेबल वेस्ट होता है और नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट होता है। तो जब हम अलग अलग करने लगे तो हमने ये समझा कि अगर हम सूखा कूड़ा को हटा सकते हैं तो गीला कूड़ा फिर भी खाद बन सकता है और कुछ काम में आ सकता है। हमने सूखा कूड़ा अलग करते गए और घर पर इकट्ठा करते गए, क्योंकि जब हमने एक बार अलग कर कर कूड़े वाले को दिया तो उसने उसे वापस मिला दिया। तो हमने सोचा कि हम इतना मतलब मेहनत कर कर इसको अलग कर रहे हैं और एक ही बार में बिना सोचे उन्हें उसको मिक्स कर दिया, क्योंकि कोई उनके लिए इंसेंटिव नहीं है उसको अलग रखना। तो हमने ये जो सूखा कूड़ा है हम घर के पीछे ही हम इकट्ठा करते रहे, इकट्ठा करते रहे, छह और महीना बाद 6 महीना बाद, हाँ जैसे नाम बोला, 6 महीना बाद हमारे घर में अपना ही लैंडफिल हो गया, छोटा सा साफ लैंडफिल, लेकिन लैंडफिल था। तो उसी उसी वजह से हमारे दादाजी ने हमें बोला कि ये कूड़ा है या आप लोग हो घर पर, आप कूड़ा रखना चाहते हो या आप लोग रहना चाहते हो। तो ये जब बोले वो, तो हमें पता चल गया कि हाँ हमें इसके बारे में कुछ करने की आवश्यकता है, और तभी हम रिसाइकलर्स ढूंढने लगे। और जब हम रिसाइकलर्स ढूंढे तो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि जब हम कॉल किए बोले कि हमारे पास बहुत सारा कूड़ा है, और उस समय तक हमारा करीब 100-200 kg हो गया था 6 महीने, तो बहुत ज्यादा वेस्ट है, कम नहीं है। और ये हमारे घर और एक दो और जो हमारे घर के आसपास लोग रहते हैं उनसे हमने लिया था। तो उन लोग ने बोला, जो रिसाइकलर थे वो बोले कि हम 10-10 टन सामान, 1-1 टन सामान ही लेते हैं, हम इतना सामान लेंगे ही नहीं, और आपने तो सारा मिक्स है आपका भी। तो हमें लगा कि हमने सूखा कूड़ा अलग कर दिया था और रिसाइकलेबल वेस्ट अलग कर दिया था, लेकिन रिसाइक्लेबल वेस्ट में भी कागज, लोहा, प्लास्टिक, ये सब चीज, और प्लास्टिक के अंदर जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, पेट बॉटल, वो सब भी अलग करने का जरूरत है। तो और उन लोग ने बोला कि हम आपका कूड़ा लेंगे नहीं, क्योंकि हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं, हम ट्रक भेजेंगे किराया लेकर इतना दूर दिल्ली के बीच में एकदम, परमिट्स के वजह से भी उनको पैसा लगता है, और आप हमें बस 200 kg वेस्ट देंगे, हमारा मुनाफा इसमें कैसे होगा। नव, मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, जब आपने वन स्टेप ग्रीनर की शुरुआत की थी, दिस वाज अराउंड 3 इयर्स बैक, यू आर मच यंगर, यू आर 11 इयर्स ओल्ड। उस समय आपने परेशानी देखी, अपने भाई को एस्थमा का शिकार होते हुए देखा, उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी, ये सब जाना। व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस एज एन 11 ईयर ओल्ड? क्योंकि मैं जानती हूं कि आज की तारीख में हमारे स्कूलों का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमें ये समझाने के लिए कि कैसे आप एनवायरनमेंट का ध्यान रखें, अपने आप सही डिसीजंस लें, ये सब स्कूल्स अभी हमें बताते हैं हमारे पेरेंट्स के साथ साथ। लेकिन आपको एज एन इंडिविजुअल क्या चैलेंजिंग लगा? कैन यू जस्ट टेल अस अ लिटिल मोर अबाउट दैट प्लीज? देखो, प्रैक्टिकल अप्रोच में और जो स्कूल में पढ़ाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का मतलब जो बहुत हार्ड होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए जो स्कूल बताते हैं, जैसे ट्री प्लांटेशंस, एज एन 11 ईयर ओल्ड स्कूल बताता था कि ट्री प्लांटेशंस सबसे मतलब इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर एयर पोल्यूशन। लेकिन जैसे हमने सोचा ठीक है हम ट्री प्लांटेशंस कैसे करें, फिर हमारे लिए सिर्फ एक ही वायबल ऑप्शन था जो डोनेट करने के लिए। लेकिन डोनेशन का, अपार्ट फ्रॉम डोनेशन हम कुछ
और कर सकते नहीं थे। तो मतलब एज एन 11-year-old बहुत चैलेंजिंग तो था, क्योंकि कोई एक्शन एज एन 11-year-old करने का मतलब बहुत हार्ड था उस टाइम पर। हाँ, और जैसे नव कह रहा है कि उस समय हमें ऐसे लग रहा था कि अगर हम पैसा भी दे रहे हैं, जो हमारे बर्थडे का पैसा जो हम इकट्ठा करते थे, और नव पहले से ही इकट्ठा करता था, मेरे से पहले वो मुझे बोला कि हाँ, हम बर्थडे का जो पैसा है ना, हम टॉयज में नहीं या वीडियो गेम में नहीं स्पेंड कर, हम इसको इकट्ठा कर डोनेट करते हैं। तो जब हमने वो शुरू किया तो नव ने मुझे कहा कि इसमें गारंटी क्या है कि ये पैसा एक्चुअल ट्री प्लांटेशन में हो रहा है, और वो पेड़ जो लगे हैं वो एक्चुअल में मेंटेन हो रहे हैं, और वो एक साल के बाद भी जी रहे हैं कि नहीं। तो इस वजह से हमें लगा कि इस सिचुएशन में हमारा पावर बहुत कम है, और हमें ऐसे लगा कि जो भी हम करेंगे उसमें इतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा। और हमने ये भी देखा था कि जो ट्री प्लांटेशन हो रहे थे वो शहर के बाहर थे, शहर के बहुत दूर थे, तो उससे हमें लगा कि हमारे प्रदूषण पर तो इतना प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। तो इस वजह से जैसे नव ने कहा, हमने हमारे हाथ में जो था जो हम कर सकते थे वो किया। जैसे नव बोल रहा है, जैसे नव ने बोला था कि जो भी पेड़ हमें मिलता था स्कूल से या जो पेड़ हम लगाते थे, हमने घर में भर दिया पेड़, लेकिन हम उसको भर कर फिर भी प्रदूषण बढ़ रहा था। तो हमें लगा कि हम बच्चे होकर क्या कर सकते हैं, और इस वजह से ये जो कूड़ा का हमें कनेक्शन मिला, इसकी वजह से हमने ये शुरू किया। विहान, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वन वेरी बेसिक थिंग. आज की तारीख में आप दोनों को, अगर मेरा कोई भी व्यूअर इस समय आपको सुन रहा है, वन स्टेप ग्रीनर कैसे उन्हें मदद कर सकता है, वो कैसे आपके इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर मैं भी आपके इनिशिएटिव का हिस्सा बनना चाहूँ तो मुझे क्या कुछ करना होगा, और कैसे आप लोग मेरी मदद करेंगे या मेरे एरिया की मदद करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो और पोल्यूशन कम हो? तो जैसे हमने बात किया, वन स्टेप क्लीनर में तीन भाग है। हमने जैसे वन स्टेप क्लीनर को शुरू किया था, हमने तीन भाग में शुरू किया था। एक भाग है लोगों को सिखाना कूड़े के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, बच्चों को सिखाना। तो उस एस्पेक्ट में कोई भी हमारी मदद कर सकता है, और कोई भी इस काम के बारे में सीख सकता है, क्योंकि हमारे वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे www. हाँ जी, तो उस पर फ्री टू डाउनलोड हिंदी और इंग्लिश में, और अब हम और भी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर रहे हैं, एक कंपोस्टिंग गाइड है कि आप घर पर खाद कैसे बना सकते हैं, सेग्रीगेशन गाइड है कि आप घर पर सेग्रीगेशन कैसे कर सकते हैं, रिसाइकलिंग गाइड है कि आप रिसाइकलिंग कैसे कर सकते हैं हमारे साथ, करिकुलम है जो हम फ्री एनजीओज जो है उनको डोनेट करते हैं, स्कूल्स को डोनेट करते हैं, जहां वो बच्चों को इन्वायरमेंट के बारे में सिखाएं। वेस्ट के फिर बारे में. जो दूसरा पहल है हमारा, जो वेस्ट मैनेजमेंट है, अभी हम दिल्ली में 1500 घर में हैं, और 14 कॉलोनीज में, दिल्ली में साउथ दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली में 14 कॉलोनीज में हैं। अगर आप किसी भी एक कॉलोनी में हैं, आप हमारे वेबसाइट में ही जाकर, वहाँ एक साइन अप फॉर्म है, आप साइन अप फॉर्म फिल कर दीजिए, गूगल फॉर्म है, 2 मिनट का काम है, और आपको फिर हमारे रोस्टर पर ऐड किया जाएगा। ई सर्विस, जहाँ हम आपके घर आएंगे, आपका वेस्ट उठाएंगे जो रिसाइकलेबल वेस्ट है, और फिर हम उसको रिसाइकल करेंगे। अगर आपके हाँ जैसे और जो वेस्ट है उसको रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट में सेग्रीगेशन करके, वो रिसाइकलेबल वेस्ट को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में सेग्रीगेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी है. जैसे पेपर, प्लास्टिक, मेटल, कार्डबोर्ड, ईवे ग्लास बॉटल्स, हम ये सब उठाते हैं घर से, लेकिन ये सब को सेपरेट सेपरेट रखना बहुत ज़रूरी है, तो उसका रिसाइक्लेबिलिटी का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. ठीक है और नव, जैसे ये जो मिनी फॉरेस्ट का एक इनिशिएटिव है, ये क्या है, क्या आप हमें बता सकते हैं व्हाट इज दिस इनिशिएटिव ऑफ मिनी फॉरेस्ट? हमारा मिनी फॉरेस्ट, एक्चुअली हम तो पहले तो रूट
रूट प्रॉब्लम हमारा था वेस्ट, वेस्ट सेग्रीगेशन, वेस्ट रिसाइकलिंग। वो अराउंड 30% दिल्ली का एयर प्रदूषण को कंट्रीब्यूट करता है। और हमने बोला ठीक है, हम रूट प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं, लेकिन उसके जो दूसरे इफेक्ट्स है, दूसरे ब्रांचेस है, उसको हम अभी सॉल्व नहीं कर रहे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने ट्री प्लांटेशंस का आइडिया हमने एक साथ सोचा था। तो हमने सोचा था कि जो कार्बन है एटमॉस्फेयर में और भी जो भी पोल्यूटेंट्स है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो हम बोलते हैं, मीथेन भी है, ये सारे जो हमारे हवाई को प्रदूषित करें, इनको निकालने का भी जरूरत है। क्योंकि अगर हम अभी जो भी प्रदूषण करने वाला जो सामान है, जो भी चीज है, जैसे गाड़ी का इंजन जो भी है, वो सब बंद करते, फिर भी हमारे पास इतना प्रदूषण है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो भी होता रहेगा। तो इस वजह से हमने सोचा कि ये सारा हमें निकालना पड़ेगा, और सबसे बेस्ट मशीन सब निकालने के लिए वो है पेड़। तो जब हमने थोड़ा सा रिसर्च किया और थोड़ा सा ऑन द ग्राउंड काम शुरू किया, तो हमें पता चला कि ट्री प्लांटेशंस एक्चुअली काफी डिफिकल्ट है सिटी के अंदर, काफी परमिशंस का जरूरत है। तो हमने जब परमिशंस लिया पार्क्स में, और जैसे संजय वन जैसा एक फॉरेस्ट रिजर्व है, वहां हम अर्बन इंडिजिनस ट्रीज को प्लांट करते हैं क्लोज ग्रोव्स में, 200-300 ट्रीज ग्रोव्स के, और वो कार्बन सिंक्स की तरह काम करते हैं, जो कार्बन को सीधा एटमॉस्फेयर से पुल कर लेते हैं। और अभी उनके वजह से बायोडिवर्सिटी भी काफी बढ़ा है, और हम ये पेड़ को 4 साल तक देखभाल करते हैं मिनिमम। विहान, हाँ व्हाट कीप्स यू होपफुल फॉर द फ्यूचर? ऐसी कौन सी वो बात है जिससे आपको लगता है कि मैंने एक शुरुआत की है, कम उम्र में हम दोनों भाइयों ने शुरुआत की, हम सोसाइटी को जागरूक कर रहे हैं, आपको रिसेंटली अवार्ड भी मिला है, ऐसे में क्या, किस तरह से आप होपफुल हैं फ्यूचर के लिए? यूथ की एनर्जी मुझे काफी होपफुल रखती है, क्योंकि जैसे हम हैं, हमारी एनर्जी जो है इस काम में वो काफी हाई है। आई थिंक लोगों को लगता है कि स्कूल, हम स्कूल में है, मैं 12वीं में हूँ ना, 9th में है, अभी स्कूल का प्रेशर भी काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम इसके लिए समय बनाते हैं, क्योंकि हम हमारा फ्यूचर है, हमारे हमारा फ्यूचर दांव पर है। और इसकी वजह से हमें एक यूनिक मोटिवेशन है कि हम एक्चुअली एक नॉट ओनली सेल्फलेस काम करें, लेकिन सेल्फिश काम भी करें, क्योंकि हम हमारी सेल्फ को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस काम से। तो आई थिंक यूथ का एनर्जी है, यूथ का इम्पेशंस है कि हम अब अडल्ट्स के लिए रुकने वाले नहीं, हम अपने आप, हमारे हाथ में जो भी स्टेप्स है, जो भी काम हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और मेरे कितने दोस्त हैं जो हमारे काम को देखकर या कोई और काम को देखकर एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए हमारा नाम वन स्टेप ग्रीनर है, कि हर आदमी अगर एक कदम बनाएगा तो वो सारे कदम मिलकर दुनिया को बदल सकते हैं। और इस वजह से मैं होपफुल हूं कि एट द एंड ऑफ द डे अगर हम सब एक एक कदम लें तो एक्चुअल में चेंज बन सकता है। क्योंकि हमारे एक कदम से आप देख रहे हैं कि हमने एक घर से शुरू किया, हमारा कूड़ा 200 केजी भी नहीं था, जो हमने 5 घर 15 घर से इकट्ठा किया था, अभी हम एक लाख हजार एक एक लाख अस्सी हजार हजार एक लाख अस्सी हजार केजी कूड़ा रिसाइकल कर लिए, और हर महीना हम और ज्यादा से ज्यादा हम वेस्ट रिसाइकल कर रहे हैं, और घर तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमारे एक कदम ने इतने लोगों को हमारे बिल्कुल साथ जुड़ा है। बिल्कुल. नव, एक बात बताइए, जब इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज मिला तो रिएक्शन क्या था? यू नो, आई रियली वांट टू नो योर ट्रू रिएक्शन. खुशी के मारे रात भर नींद नहीं आई, यू हग्ड विहान, यू हग्ड योर मदर, व्हाट वाज योर रिएक्शन? बिकॉज यू आर द यंगेस्ट, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन. आई वुड हैव आस्क्ड दिस फ्रॉम विहान, बट आई वांट टू नो हाउ डिड यू फील? मुझे तो लगता था जब हमारा नाम एक्चुअली अनाउंस किया हुआ था, मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं जंप कर रहा था, मैं स्किप कर रहा था जब मैं वॉक कर रहा था।
मैंने पहले तो पापा का हाथ मिलाया था साइड में से, और पकड़ा था, हाई फाइव। हाई फाइव भी दिया था, और अवार्ड के बाद, सेरेमनी के बाद, पूरा रात हम, बहुत बहुत स्पेशल दिन था, पूरा रात हम दोनों एंजॉय कर रहे थे। ये जगह जगा हुआ था और मेरे ऊपर तांडव कर रहा था, मैं सो, तो इस वजह से आई थिंक नव वाज वेरी एक्साइटेड आफ्टर द अवार्ड। आई थॉट, मुझे एक दो हफ्ता लगा थोड़ा सा सेट इन होने के लिए, समझने के लिए, लेकिन नव तो उसी दिन से मतलब बहुत एक्साइटेड था। विहान, लेकिन एक अहम बात यहाँ पर यह है कि इस प्राइज के बाद या जिस तरह का काम आप कर रहे हैं, क्या ये समझते हैं कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है? अब आप उन नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है जो शायद कुछ भी जाकर कर सकते हैं। आपको कुछ भी करने से पहले शायद दो बार सोचना होगा। एनी स्टेप दैट यू एक्चुअली टेक फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी विल बी लुक्ड अपॉन बाय मैनी एज वेल। तो क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है? और आपने उसके लिए, क्योंकि आप 12वीं में हैं, अब आगे बढ़ेंगे, कॉलेज में जाएंगे, हायर स्टडीज के लिए जाएंगे, तो शायद जिंदगी आगे बढ़ेगी, लेकिन ये जो कदम आपने उठाया है वन स्टेप ग्रीनर के साथ, ये आपके साथ आखिर तक चलेगा। क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में तो बचपन से दोनों, मैं और नव, इन्वायरमेंट की तरफ रिस्पॉन्सिबल नहीं माने हैं। आई मीन आई थिंक वे मोर, हम प्यार की तरफ से कर रहे हैं, तरह से कर रहे हैं, क्योंकि जैसे एक मेरी टीचर ने अभी बताया था जब हमने ये पुरस्कार जीता था, कि मुझे याद है कि आप दोनों जो मेरे क्लास में थे, तो सब जब मतलब कोई एक्टिविटी हो जाता था और पेपर या प्लास्टिक पूरे रूम में फैला हुआ था, तो आप लोग ही बैठकर उसको उठाकर डस्टबिन में डालते थे और अलग करते थे। तो हम बचपन से ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें या उस प्यार के वजह से हमने किया है। और आई थिंक हमारे लिए, क्योंकि हमने ये पुरस्कार जीता है और ये रिकग्निशन पाया है, जो हम काम कर रहे हैं वो दुनिया देख रहा है, लेकिन उसके वजह से हम वो काम रोकेंगे नहीं और वो काम दो बार सोचेंगे नहीं, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं वो अंदर से आ रहा है और वो अच्छे से हो रहा है। तो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन आवर सेल्व्स एंड इन आवर एबिलिटी, एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एक्सपैंडिंग एंड इंक्रीजिंग वन स्टेप गेनर। हमारे, हम दोनों ऐसे मानते हैं कि वन स्टेप गेनर इज सो इम्पोर्टेंट इन आवर लाइव्स, कि हम वन स्टेप गेनर के साथ बड़े हुए हैं और वन स्टेप गेनर हमारे साथ बड़ा हुआ है। तो इन द सेंस कि हमारा मेच्योरिटी भी इसके साथ बड़ा है और वो भी उसकी, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ आवर मेच्योरिटी इंक्रीज। तो अभी अभी के लिए तो हमारा गोल है कि पूरा इंडिया जीरो वेस्ट बने। तो अभी हम दिल्ली और गुड़गांव में, हमारा प्लान है कि हम पूरे इंडिया में फैले, अलग अलग सिटीज तक पहुंचे, कलकत्ता, उदयपुर, जहां भी हमें लाया गया, हम वहाँ हम ये मॉडल ले पाए, क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो एकदम रेप्लिकेटेबल है, वो हम कहीं से भी उठाकर हम शुरू कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स अभी इंडिया देन वर्ल्ड, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल हमको, बिल्कुल वो होगा भी व्यान और नव, और भारत से शुरुआत की है, राजधानी दिल्ली से शुरुआत की है। मेरी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत सारी विशेष हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं, शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, देश का नाम रोशन करें, हमारी सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो मेड इन इंडिया में आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Thank you.